हेलो क्लास सिक्स, लास्ट वीडियो मैंने आपको डिजबिलिटी टेस्ट बताया था, तो उसमें मैंने 5 तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ सीधा डिजबिलिटी ऑफ 8। तो स्टूडेंट, 8 की जो डिजबिलिटी है क्या होता है, इसका रूल, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्मेड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। मीन अगर कोई नंबर आपको 8 से चेक करना है तो देखेंगे उसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल हैं या नहीं। फॉर द एग्जाम्पल 3184, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे 1s, 10s, 100, तो आपका ये 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये है तो आपका कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 184 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। 8 2 16, 2 आ गया 4, 8 3 24। मीन ये पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। मीन दैट इज़ वी से दैट 3184 आल्सो डिविजिबल बाई 8। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे 2640। तो लास्ट 3 डिजिट देखेंगे क्या हो गया हमारा 640। 640 हमारा 8 से डिविजिबल होगा। 8 1 8 8 64, यस, तो कंप्लीट नंबर भी आपका डिविजिबल होगा। ओके, 9 का देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 का रूल क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर आपका 9 से चेक करना है तो कोई आपके पास अगर नंबर है तो उनके सम ऑफ डिजिट का जो रिजल्ट आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। एग्जाम्पल देखेंगे 5 4 8 1, तो यहाँ पे जो हमारे डिजिट्स हैं इनका आप सम कर लीजिए। मीन 5 + 4 + 8 + 1, 5 + 4 9, 9 1 10 18, दैट इज़ 18 हमारा क्या है 9 से कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा कंप्लीट नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 6 3 9, तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 6 + 3 + 9, 9 6 + 3 9 + 9 18 भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा। मीन कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा। ओके, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 10 देखते हैं। 10 तो काफ़ी सिंपल है, बस आपका क्या होना चाहिए, किसी भी नंबर को आपका 10 देखना है तो यूनिट प्लेस पे आपको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जिससे क्या हो गया 20, यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो ये 10 से होगा, या इतना बड़ा भी आपका नंबर हो पर लास्ट में क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। ओके, नाउ सी द डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो 11 का रूल्स थोड़ा सा स्टूडेंट डिफरेंट है, इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल से आपको बताते हैं। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 2, ये हमें चेक करना है कि 11 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, इसका क्या रूल होता है कि हम देखते हैं कि डिजिट को जब हम काउंट करेंगे तो इवन एंड ऑड का जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 0, अदरवाइज़ क्या होना चाहिए, अदरवाइज़ जो डिफरेंस आना चाहिए वो आपका 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे इवन प्लेस पे देखते हैं या ऑड पे देख लेते हैं, ऑड पे कौन कौन से डिजिट हैं, तो 1 आपका हो गया, 2 3, मतलब 2 एंड 3, मतलब 2 + 2 कितना हो गया 4, समझ पा रहे हैं आप लोग। मतलब आपको देखना, काउंट करना है तो इवन और ऑड नंबर पे जो डिजिट आ रहे हैं उनको आप अलग अलग, जैसे हम ऑड लिख रहे हैं तो ऑड में कौन हो जाएगा, 1 ऑड होता है, 2 नहीं होता है, 3 होता है उसको राइट कर लेंगे, फिर 4 नहीं होता है, ठीक है। अब अगर इवन का देखें हम, तो इवन पे 1 तो होता नहीं, 2 होता है, 2 का लिख लेंगे 3, प्लस 3 भी नहीं होता है, 4 होता है, 4 पे कितना है 1। अब इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0, तो 0 मिल रहा है, 4 से 4 हो जाएगा, तो 0 अगर आ रहा है तो 11 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज़ जो इसका डिफरेंस आना चाहिए वो जो है 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये डिविजिबल होगा या नहीं। 11 से करते हैं, 11 1 1 आ गया 13, 11 1 1 कितना आ गया 2, फिर 2 से करेंगे 11 2 1। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। एग्जांपल और देखते हैं, 2 8 2 2 1 6। ओके, तो इवन पे देखेंगे ऑड पे, तो आपका ये हो गया ऑड, ये भी आपका हो गया ऑड, 1 2 3 4 5, ये भी आपका ऑड हो गया। इवन पे आपका ये हो गया एंड ये एंड ये, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, ऑड पे आपका क्या हो जाएगा 6 + 2 + 8 कितना आ गया 16। इवन पे चेक कर लेते हैं, तो इवन पे हो गया 1 प्लस ये आपका 1 हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद हो गया 2। ओके, अब इसको हम चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5। अब इनका जो डिफरेंस कितना आएगा, 0 तो नहीं आ रहा, डिफरेंस कितना आ रहा है 11, तो 11 हमारा क्या 11 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब कंप्लीट नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने सारी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे, रिमेन क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।